देखो मैंने 4 इंच की ये पट्टियां निकाल ली हैं साड़ी से। पुरानी साड़ी या चुन्नी या कुर्ती वगैरह ले ले तो इस तरह से आपको ये पट्टियां लेनी है। ये देखें, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनसे मैं आज चोटी बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से आप नॉट लगा लें या आप सिल भी सकते हैं। तो मैंने नॉट लगा ली। अब इसको इस तरह से, जिस तरह से अपने बालों में चोटी बनाती हैं, उसी तरह से आपको बनानी है, इस तरह। ये देखें, ये बड़े आसानी से बनती जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये देखें, इस तरह से आपको चोटियां बनानी है। ये देखो इस तरह से। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे का दिखाती हूँ। और इसमें ज्वाइंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो भी आप देख लें, ताकि आप अच्छे से बना सकें। जैसे ये है, ये चोटी है, इसमें हम इस तरह से रख देंगे और इसको इस तरह से कर लेंगे, तो यहाँ से खुलेगी नहीं। तो इसी तरह से हम ज्वाइंट करते जाएंगे और चोटी को बनाते जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखा। ये देखो मैंने चोटी बना ली है, और ये देखें हमने कुछ प्लेन बनाई हुई हैं और कुछ हमने ये डबल कलर में बनाई हुई है। ये देखें, और कुछ प्लेन। ये देखो, अब हम सबसे पहले ये पीला कलर लेंगे और इसका सर्किल बनाएंगे। इसको इस तरह से नहीं लगाना है, इसको इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से हम बनाएंगे और इस तरह से हम सुई से सिलते जाएंगे। इसको छोटा छोटा सिलना है। इसी तरह से हम ये पूरा सर्किल पीले कलर से बना लेती हूँ, फिर आगे का आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमने ये छोटा सा सर्किल पूरा कंप्लीट कर लिया येलो कलर का। अब ये हम रंगीन वाले लगाएंगे। आपके पास अगर प्लेन है तो प्लेन से बनाएं, या रंगीन है तो रंगीन से बना लीजिएगा। ये नहीं है कि आप प्लेन लगाती हैं फिर इस तरह से बनाती हैं, आप जिस तरह से बनाना चाहें उस तरह से, इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से मैंने बनाया है। अब देखें यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें ज्वाइंट हो गया। अब इसको उल्टी साइड, इसको इसी तरह से सिलना है। उधर हमारी सीधी साइड है, इधर उल्टी साइड है।
तो मैं सर्किल बना लेती हूँ इसी तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने सिल लिया है इसको, अब मैं आगे का बताऊँ। ये देखो मैंने पट्टा लिया है और फिर ये चौक है, आप चाहे तो स्केच वगैरह भी ले सकती हैं या पेन वगैरह से बना सकती है, इस पे आप डिजाइन बनानी है। तो डिजाइन देखें किस तरह से बनाएंगे, ये देखें। इस तरह से आपको डिजाइन बनानी है। देखिए इस पे मैं हॉट ग्लू गन इस तरह से चलाएंगे और चोटी वाली डिजाइन को चिपकाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से, आप फेविकॉल से भी चिपका सकती है, अगर हॉट ग्लू गन नहीं है तो फेविकॉल से भी चिपका सकती हैं। चिपका के थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, जब सूख जाए तो इसको निकाल लें। ये देखें इस तरह से, इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे चिपकाना है। मैंने आसपास इसको चिपका लिया है, अब इसकी इस तरह से सिलाई करना है। छोटा छोटा हम सिलते जाएंगे इस तरह से। ये देखें इसको अंदर अंदर पूरा भर लेना है, सिलते जाना है और इस तरह से आप करते जाना है। ये देखें तो इस तरह से मैं सिल लेती हूँ, पूरा इसको भर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमने इसको सिल लिया है और ये कंप्लीट हो चुकी है। डिजाइन को इस तरह से निकाल लेना है। ये देखें इसको हम इस तरह से यहाँ पे टांग देंगे। ये देखें ये डिजाइन, इसी तरह से डिजाइन को हमें बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखा। देखो मैंने बना लिए, अब मैं इसको सिलना बताऊंगी, सिलेंगे किस तरह से। ये देखें इधर से हमारा ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट की तरफ से इधर इस तरह से सिल लेना है। ये देखें और यहीं पे हमें नॉट पक्की वाली लगा लेना है इस तरह से। ये देखें सिल गया, अब दूसरा सिलेंगे तो हम इस तरह से सिलेंगे, इसी तरह से इसके आसपास सर्किल के लगाना है इस तरह। ये देखो हमने दूसरा भी टांग लिया है, अब इसको ये देखें बीच में इसको इस तरह से टांग लेना है ताकि इधर उधर ये हो ना। इस तरह से हम नॉट लगा देंगे और इस तरह से इस धागे को कट कर देंगे। ये देखो टांग लिया, इसी तरह से हमें टांगना है, तो मैं टांग लेती हूँ फिर आपको दिखा। देखो मैंने इसको टांग लिया है, अब देखें हम आसपास से फिर इसके फिर इस तरह से हमें सिलना है। देखें जो हमने डिजाइन बनाई हुई है उसी पे सिलते जाना है। ये देखें हमने सिल लिया है यहाँ पे, अब यहाँ पे सिलना है। इसको हम सही सीधा करते हुए इस तरह से सिलना है, पूरे राउंड पे इसी तरह से सिलते जाएंगे। ये देखो मैंने इसको टांग लिया है, अब इसको थोड़ा हमने लूज टांगा है ताकि ये सर्किल अच्छे से बन सके, टाइट नहीं हो। अब देखें हम ये वाला इस तरह से सिलते जाएंगे, इसी तरह से राउंड में हम सिलते जाएंगे। ये देखो मैंने तीन सर्किल बना लिए हैं इसमें। ये देखें यहाँ से देखें एक दो तीन, ये चौथा सर्किल मेरा बन रहा है। इसी तरह से हमें
दो और सर्किल बनाने हैं, तो 6 सर्किल टोटल हमें बनाने हैं। फिर उसके बाद हम ये वाली डिजाइन ऊपर भी लगाएंगे, फिर उसके बाद ये सर्किल इसी तरह से बनाएंगे, तो ये बनके तैयार हो जाएगा।